जब कंगना को आदित्य पंचोली ने पीटा। कंगना ने अब तक की लाइफ में इतने आशिक बदले हैं ये कहना होगा। बॉलीवुड में उनके आने का उनका मकसद एक्टिंग है या अयाशी? आदित्य पंचोली से लेकर अध्ययन सुमन, आमिर खान, ऋतिक रोशन और मनीष मल्होत्रा तक से उनका नाम जुड़ चुका है, लेकिन शायद अब तक उनकी तलाश खत्म नहीं हुई है। बहरहाल दिल्ली से मुंबई आने के बाद जब कंगना ने फिल्मी करियर के लिए संघर्ष शुरू किया तो बॉलीवुड में उनकी स्थिति आउटसाइडर जैसी ही थी और ऊपर से अंग्रेजी में उनका हाथ भी काफी तंग था। कड़े स्ट्रगल से परेशान कंगना की मुलाकात इन्हीं दिनों आदित्य पंचोली से हुई, जो उन दिनों तेजी से उभर रहे एक्टर थे। मेलजोल का सिलसिला बढ़ा और प्यार का नया चैप्टर खुल गया। खुद से बड़ी बीबी जरीना बहाव और दो बच्चों के अधेड़ पिता आदित्य पंचोली को कंगना के रूप में दिल बहलाने का नया साधन मिला तो कंगना ने भी आदित्य को बॉलीवुड में जमने का हथियार बना लिया। आदित्य पंचोली ने कंगना पर खूब पैसे लुटाए। उनके लिए महंगे फ्लैट खरीदने के अलावा आदित्य ने एसिड अटैक का शिकार हुई कंगना की बड़ी बहन के इलाज का पूरा खर्चा भी उठाया। इस रिलेशनशिप के दौरान दोनों में छोटे मोटे झगड़े होने के बावजूद हालात नियंत्रण में ही रहे। कंगना को बॉलीवुड में अपनी जगह बनानी थी, जबकि आदित्य पंचोली उन्हें अपनी मिल्कियत की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। कंगना का एम्बिशन और आदित्य की ख्वाहिशें जब आपस में टकराने लगी तो झगड़े बढ़ने लगे। इन्हीं दिनों कंगना की मुलाकात महेश भट्ट से हुई और भट्ट साहब ने कंगना को अपनी फिल्म गैंगस्टर में मौका दे दिया। भट्ट कैंप में घुसते ही कंगना स्टार हो गई। जब उनकी जिंदगी के मसले बदलने लगे तो आदित्य पंचोली को मामला हाथ से निकलता हुआ लगा। ऐसे ही एक दिन दोनों में किसी बात पर जमकर लड़ाई हुई और शराब के नशे में धुत आदित्य पंचोली ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। कंगना का कहना है कि उन्होंने भी आदित्य को चप्पलों से खूब पीटा। साल 2007 हुआ है ये वाक्या, तब मीडिया की सुर्खियों में आया जब कंगना ने आदित्य पंचोली के खिलाफ शारीरिक शोषण और मारपीट का मामला पुलिस में दर्ज कराया। हालांकि पुलिस ने कंगना के सबूतों को नाकाफी मानते हुए आदित्य पंचोली को चेतावनी देकर छोड़ दिया। सालों बाद अब भी कंगना नए रोमांस और आदित्य पंचोली मारपीट की नई खबरों के जरिए सुर्खियों बने रहते हैं।